नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से राजधानी में ना केवल उन्हीं लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी जो इसकी मांग कर रहे हैं, अब सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी छोड़ने या मुफ्त बिजली प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 20 यूनिट तक फ्री बिजली और 200 से 400 यूनिट तक आधे बिल हैं। कुछ लोगों की मांग थी कि जब हम बिजली का बिल दे सकते हैं तो हमें सब्सिडी क्यों दी जा रही है, हमें विकल्प दिया जाए ताकि हम भुगतान करना चाहे या नहीं उसका विकल्प दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक पुरानी योजना चालू रहेगी, 1 अक्टूबर से उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी जो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के तरीके जो है वो आज हम जारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में बहुत बिजली जाती थी लेकिन हमने बहुत मेहनत करके इसे ठीक किया है, अब दिल्ली में 24 घंटों में बिजली आती है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, 57 लाख परिवारों की सब्सिडी मिलती है और 30 लाख परिवारों का बिल जो है वो जीरो आता है और 17 लाख परिवारों का बिजली का बिल आधा आता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर करेंगे तो बिजली की सब्सिडी के लिए अप्लाई, मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली की सब्सिडी के लिए जो अप्लाई किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के साथ एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरकर जहां बिल जमा कराने जाते हैं वहां जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ 7011311111 पर मिस कॉल भी कर सकते हैं। फिर से अगर आपको नंबर बता दे तो नंबर है 7011311111, इस पर मिस कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद एक मैसेज में लिंक आएगा और उस पर क्लिक करें, आपको वेबसाइट ऐप पर एक फॉर्म खुल जाएगा और उसे भरकर सबमिट कर दे। ये उनके द्वारा जानकारी दी गई है। वहां पर जो भी फॉर्म आपके पास, जो भी लिंक खुलेगा व्हाट्सएप पर, उस पर जाके इसे फॉर्म को फिल कर दें। वैसे इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए, तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।